अब हमारे काम होंगे, लेकिन वही डाके तीन बार काम कोई हो नहीं रहे, जूठे डकोसले और दावे ज्यादा हो रहे थे। नगर पालिका बनने के बाद हमारे सारे नुकसान है थे। मेन तो मनरेगा से हमारे लगभग 1000 परिवार थे, उनकी रोजी रोटी 2 साल हो गए, उनका खत्म हो गया सब। कुलदीप जी ने तो यूँ कहा था भाई मैं सीएम साहब से मिलूंगा और नगर पालिका तोड़वाएंगे, आप संघर्ष करो, लेकिन संघर्ष तो कर रहे हैं, उस बात को तो 20 दिन से ज्यादा हो गए। इस समय हम मौजूद हैं कुलदीप बिसोई भव्य बिसोई के गढ़ में, आदमपुर के जो मेन तहसील में मौजूद है। आप देख सकते हैं ये न्याय की गुहार कर रहे हैं, पिछले 1 महीने से ये लोग लगातार यहाँ धरना दे रहे हैं। इनकी मांग ये है नगर पालिका को रद्द किया जाना चाहिए, ऐसे में इनको काफ़ी दिक्कतें आ रही है और लगातार ये सभी संगठन के लोग इनको समर्थन किए हुए। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि लगातार जो धरना चल रहा है किस मांग को लेकर चल रहा है, कितने दिन धरने हो गए। धरना 1 महीने से चल रहा है, 35 दिन पूरे हो गए और हम यहाँ पे नगर पालिका के खिलाफ, नगर पालिका जो हमारे पे थोपी गई बिना जनता की राय के बताए, उसके खिलाफ हम बैठे हैं। भी हमारा ये नगर पालिका बंद की जाए और पंचायती राज लागू किया जाए। अच्छा आप ये बताएं, नगर पालिका अगर बन जाती है तो आप लोगों को क्या क्या नुकसान उठाना पड़ेगा? नगर पालिका बनने के बाद हमारे सारे नुकसान है थे। मेन तो मनरेगा से हमारे लगभग 1000 परिवार थे, उनकी रोजी रोटी 2 साल हो गए, उनका खत्म हो गया सब। नए मकान बनाए उसमें दिक्कतें आ रही है थी। नगर पालिका बनाए हुए तो लगभग 2 साल हो गए, सुविधा नाम की हमारे पास कोई बिजली के बिल वगैरह में 2% हमारे लग के आना शुरू हो गया 2 साल से। दे देंगे हमारे जो स्टाम्प ड्यूटी है उसमें 2% बढ़ा दिया थी, और अन्य प्रकार की बहुत सी दुविधा आ रही है हमारी। इस तरह कोई मकान वगैरह बनाते हैं तो नगर पालिका वाले तब तो बड़े जल्दी आ जाते हैं कि 5,000, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये हमारे को दो। तो हम तो बहुत ही गरीब तबके से हैं, बिल्कुल ही गरीब तबके से। यहाँ के लोगों ने पूरे तन मन धन सिंह का शो किया, पूरे बढ़िया माधन सिंह को जितवाया, भैया अब हमारे काम होंगे, लेकिन वही डाके तीन बार काम कोई हो नहीं रहे, जूठे डकोसले और दावे ज़्यादा हो रहे थे। गाँव में भी अब धन्यवाद बोले तो घूम रहे थे, सुपर में भी उनको पूरी पंचायत में उनका पूत उड़ा गया है, तो हमारे साथ और भी लोग हैं। ये भी आप बताएं कि जो आगे अभी तक किन किन नेताओं ने आपके विपक्ष के नेताओं ने समर्थन दिया है और आगे मांगे पूरी नहीं होती, इस तरह का निर्णय भी है काले झंडे दिखाने का? विपक्ष के सभी नेताओं ने हमेशा आके समर्थन दिया है, जयप्रकाश जी आए थे धरने पे और उन्होंने आश्वासन दिया था भाई सरकार का काम होता है, सरकार तोड़ती है तो ठीक है, नहीं हमारी सरकार आने पर पहली कलम से ये पहला काम होगा आदमपुर की नगर पालिका तोड़ने का। बल्कि उन्होंने तो ये कहा था भाई 3-4 जगह और जो नगर पालिका बनी थी, जैसे बास होगी और बादली होगी, बाडड़ा होगी, वहाँ टूट सकती है, तो फिर आप तो सरकार के साथ हो, आपके काम क्यों नहीं हो? तो इस तरह का भी आगे निर्णय किया है कि जो सत्ता पक्ष के लोगों को काले झंडे दिखाई दे, विरोध प्रदर्शन की जो भी कार्रवाई होगी, सर्वसम्मति से जो बातें होगी, अगर काले झंडे दिखाने की बात आएगी, कमेटी का फैसला होगा तो काले झंडे भी दिखाएंगे, अनशन पे बैठने की बात होगी तो अनशन पे बैठेंगे, वो कमेटी जो फैसला लेगी उनके साथ सब मिल के चलेंगे। आपके बीच में कुलदीप बिसोई भी खुद आए थे, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? कुलदीप जी ने तो यूँ कहा था भाई मैं सीएम साहब से मिलूंगा और नगर पालिका तोड़वाएंगे, आप संघर्ष करो, लेकिन संघर्ष तो कर रहे हैं, उस बात को तो 20 दिन से ज़्यादा हो गए। और अभी कल लाइन पर धन्यवादी दौरे में हमारी कमेटी मिली थी, तो उस टाइम उन्होंने तो ये कहा है भाई सीएम साहब मान नहीं रहे, अगर सीएम साहब नहीं मान रहे तो इसका मतलब जनता से खाली वोट लेने थे, धोखेबाजी करने थे, भाई आप बता दो मेरे को हाथ भिजवा दो, उन बातों का कोई अर्थ ही नहीं। बाकी चुनाव तो आनी जानी चीज है, 1 साल बाद फिर आ जाएंगे, अब की बार क्या करेंगे। ये आदमपुर के लोग हैं जो पीड़ित लोग, आप देख सकते हैं इसकी बंद करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये बनने से काफ़ी दिक्कतें आएंगी। तो ऐसे में लोगों की यही मांग है सरकार से कि ये भंग ही की जाए ताकि उन्हें आगे किसी तरह की दिक्कत ना हो। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक हिसार।